जिले में कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों ने खेती का एक नया तरीका निकाला है। 8 महीने बाढ़ से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में अब फ्लोटिंग खेती की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये नदी अपना तांडव करती है और खेती को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि खेत पानी में डूबे हुए होते हैं, इसलिए खेती करना संभव ही नहीं होता। इसलिए अब यहाँ फ्लोटिंग यानी तैरने वाली खेती का नया प्रयोग शुरू हुआ है। सहरसा में बनगांव के प्रगतिशील किसान टुन्ना मिश्र जब आत्मा की ओर से प्रशिक्षण के लिए कोलकाता गए, तो वहाँ उन्होंने अपनी ये समस्या रखी। उन्होंने प्रशिक्षकों को बताया कि बाढ़ के कारण उनके क्षेत्र में खेती करना संभव नहीं है। प्रशिक्षकों ने उन्हें फ्लोट फॉर्म कृषि की जानकारी दी। इस खेती में ड्रम और बांस के सहारे मचान बनाकर खेती की जाती है और नीचे मछली पालन किया जाता है। इस तरह की खेती में वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल होता है। कृषि का जो अपशिष्ट पानी में गिरता है, उससे मछलियों को पौष्टिक भोजन मिलता है, इससे उनका वजन बढ़ता है। टुन्ना इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि इससे कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलता है। प्रधानमंत्री के जो आत्मनिर्भर भारत सपना को साकार कर रहे हैं, और साथ ही हम अपने गांव और आसपास के गांव के लोगों को भी प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण करवाने हेतु सपने को साकार करने का प्रयास करवा रहे हैं। टुन्ना अपने क्षेत्र में एक मिसाल बन गए हैं और कहरा प्रखंड के किसानों को उन्नतशील खेती की जानकारी देते हैं। तो ऐसा करके उनकी आमदनी हम लोगों से अपेक्षा, हम लोग इंजीनियर बनके जितनी मेरी आमदनी थी पंजाब में, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इनकी अच्छी आमदनी है। और ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, तो हमको भी लगता है कि हमको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए और कुछ नया करना चाहते हैं। हम सब महिला एकजुट बनकर टुनर मिश्र यहाँ से हम देखे हैं कि बहुत सी आमदनी हो रही है, मतलब मछली भी पालन हो रही है, सब्जी भी पालन सब कर रहे हैं सब। इसीलिए हम सब महिला सोचते हैं हम सब भी कुछ नया करें।